नमस्कार, सक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी के बाद फैक्ट चेकिंग के नाम पर हिंसा को भड़काने वाले ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मांग पिछले कुछ दिनों से लगातार की जा रही थी। आरोप है कि मोहम्मद जुबैर इंटरनेट पर अपनी पोस्टों के माध्यम से समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और देश की छवि खराब करने में जुटा था। मोहम्मद जुबैर को सोमवार रात को ही पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसमें जुबैर के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। हम आपको बता दें कि इस माह की शुरुआत में पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य के तहत मामला दर्ज किया गया था। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को जहाँ भाजपा ने सही ठहराया है, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता इसके विरोध में आवाजें उठा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भाजपा की घृणा, कट्टरता और झूठ को बेनकाब करने वाला हर एक व्यक्ति उनके लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई की एक आवाज को गिरफ्तार करने से हजार आवाजें और पैदा होंगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ऑल्ट न्यूज और जुबैर विश्व गुरु के फर्जी दावों की पोल खोल करने में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करने वाली दिल्ली पुलिस अब पेशेवर और स्वतंत्र होने का आडंबर नहीं कर सकती। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं और असदुद्दीन ओवैसी ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर पर झूठा मुकदमा डालकर गिरफ्तार किया गया है। ओवैसी ने कहा है कि मोदी जी जुबैर को जेल भेज रहे हैं जबकि नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है बताओ। हमको ये तलाश मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए होगी। कहाँ लेकर जा रहे हैं जुबैर को, क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर अलग बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, जुबैर को जेल में डाल रहे हैं। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि ऑल्ट न्यूज का सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर एक जिहादी है जिसने हिंसा भड़काई। साथ ही भाजपा ने इस गिरफ्तारी के लिए सरकार की आलोचना करने को लेकर विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया है। भाजपा महासचिव सीटी रवि ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक साधारण फेसबुक पोस्ट के लिए एक मराठी अभिनेत्री की फांसीवादी MVA सरकार द्वारा गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। जब राजस्थान में महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन वह एक जिहादी के लिए आंसू बहा रहे हैं जिसने हिंसा भड़काई। उधर डिजिटल समाचार मीडिया संगठनों के एक निकाय ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस से मामला तुरंत वापस लेने को कहा है। DGPOP ने कहा,
एक लोकतंत्र में जहां प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार है, वहां यह अनुचित है कि ऐसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा रहा है, जिन्हें देश के संस्थानों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रहरी की भूमिका निभाने की भूमिका दी गई है। बहरहाल, जहां तक मोहम्मद जुबैर पर लगाई गई धारा 153A और 295A की बात है, तो आपको बता दें कि यही धाराएं हाल ही में विवादित प्रोफेसर रतन लाल पर भी लगाई गई थी, जिन्होंने ज्ञानव्यापी प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए शिवलिंग के अपमान वाली फोटो ट्वीट की थी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी इन्हीं धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।